कांग्रेस के जो विधायक है अनिरुद्ध सिंह, वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री धमका रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं भाजपा में शामिल होने के लिए, ईडी की धमकियां दी जा रही है। देखिए ये बौखलाहट है कांग्रेस, इसलिए इस प्रकार के जो है वो अनर्गल अनाप शनाप जानबाजी कर रहे हैं। अब उनके एक वर्किंग प्रेसिडेंट जो है वो पहले छोड़कर के चले गए थे, दूसरे उनके जो वर्किंग प्रेसिडेंट थे वो आज छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, विधायक उनके पार्टी छोड़कर के जा रहे हैं। और ये कोई हिमाचल में ही नहीं है, केरला में तो पूरी की पूरी पार्टी उनकी आ गई है, 11 में से 8 विधायक भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। इसलिए ये जो बयानबाजी है ये सिर्फ जो है वो बौखलाहट का नतीजा है, किसी को धमकाने की आवश्यकता ही नहीं है, बिना धमकाए ही लोग अपने आप आ रहे हैं, तो धमकाने की आवश्यकता कहाँ रहती है। अभी और भी ऐसा लोग संपर्क में देखिए डूबरा जहाज है, प्रलोभन जो है वो कांग्रेस के लोगों को प्रलोभन तो बहुत लोग, भारतीय जनता पार्टी 1951 से चल रही है और अपोजिशन में होती थी, एक दो आदमी होते थे तब भी छोड़ करके नहीं जाते थे ना, प्रलोभन जो है वो अब है तो वो उनकी कमजोरी है कहीं देते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ना तो किसी को प्रलोभन दिया जा रहा है, ना किसी को जो है वो दबाव डाला जा रहा है, वो अपने आप जो है वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा किए गए काम और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसलिए किसी प्रकार के जो है वो प्रलोभन दबाव इत्यादि का जो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बयानबाजी जो है वो अनर्गल बयानबाजी है, अगर वो कांग्रेस को जो है स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो अपने लोगों को जो है वो जरा सेफ तरीके से रखें और अपनी पार्टी को जरा अच्छी तरह से जो है चलने वाली पार्टी बनाएं। पिछले कल आदर्श सूद भी कह रहे थे कि मंत्री जी ने यहाँ पर डंगे लगाने का ही काम किया है शिमला में, जब अब वो भी बिल से निकल आए हैं, अपनी पार्टी में वो टिकट के दावेदार हैं, तो इसलिए मेरे को उनको कुछ नहीं कहना है, ये शिमला की जनता जानती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।